नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन करें कक्षा 11 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी की हमारी जो पाठ्यपुस्तक है आरोह भाग एक, उसके गद्यखंड का। गद्यखंड में हमारा जो चौथा अध्याय है बालमुकुंद गुप्त, और इन्होंने लिखा है विदाई संभाषण। तो इसमें सबसे पहले जो बालमुकुंद शर्मा है उनका जीवन परिचय, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। इनका जन्म सन 1865 ग्राम गुड़ियानी जिला रोहतक हरियाणा में हुआ था। प्रमुख संपादन जो है इनके अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। और इनकी मृत्यु जो है सन 1907 में हुई थी। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। अब गुप्त जो हैं बालमुकुंद गुप्त, ठीक है ना, तो इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो उर्दू में हुई थी और बाद में इन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जन किया। अब विधिवत जो है यानी कि विद्यालय गए, मिडिल स्कूल तक गए हैं, 8वीं तक गए हैं ये, फिर उसके बाद में स्वाध्याय से अपने आप ही जो हैं काफ़ी ज्ञान अर्जन कर लिया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। अब ये खड़ी बोली हैं और जो आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। अब देखिए, भारतेंदु युग जो प्रारंभिक अवस्था थी गद्य साहित्य की, तो उसके बाद में द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है तो उनका युग था, लेकिन उनके बीच की कड़ी जो माना जाता है बालमुकुंद गुप्त को। बालमुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। अब उस दौरान के जो अन्य पत्रकार थे, क्योंकि ये पत्रकार थे और नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे, जिस प्रकार से अन्य पत्रकारों ने साहित्य सृजन में सक्रिय भूमिका निभाई है, तो उसी प्रकार से इन्होंने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। अब ये पत्रकारिता क्यों करते थे, क्योंकि हमारा जो देश है उस समय गुलाम था, तो स्वाधीनता संग्राम के एक हथियार के रूप में इन्होंने पत्रकारिता को अपनाए हुए था। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है, साथ ही उनके व्यंग्य विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। अब इन्होंने अनुवाद भी किए हैं जो बांग्ला की रचनाएँ हैं और जो कुछ संस्कृत की रचनाएँ हैं उनका भी हिंदी में अनुवाद किया है। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। पारखी मतलब कि कौन सा शब्द किस जगह प्रयोग करना है और उसका अर्थ जो है किस प्रकार से अपनी जो उच्च स्तर को स्थापित कर सकता है। अनस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। अनस्थिरता इस शब्द को की शुद्धता को लेकर इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। तो विदाई जो संभाषण है, उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। जो हम ये विदाई संभाषण पढ़ रहे हैं ना, तो उनका एक व्यंग्य कृति है सबसे चर्चित, शिव शंभू के चिट्ठे, तो उसका एक अंश है ये। यह पाठ वायसराय करजन, जो कि 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक दो बार वायसराय रहे थे भारत के शासन में, भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है कि उस समय वायसराय करजन के शासनकाल के समय भारतीयों की स्थिति कैसी थी, उसका खुलासा शिव शंभू के चिट्ठे के माध्यम से होता है और उसका एक अंश जो है हम पढ़ रहे हैं। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गौरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना है था। हर स्तर पर करजन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। अब देखिए, करजन ने हर जगह जो है अंग्रेजों का वर्चस्व है ऐसा स्थापित करने की कोशिश की है, और काफ़ी आयोग जो हैं वो भी गठित किए हैं, नए नए आयोग गठित किए गए, और गोरों का जो वर्चस्व है ऐसा स्थापित करने के लिए जो अंग्रेजों के हित के लिए अनेक संसाधनों का प्रयोग भी किया है। और वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे कि सरकार जो निरंकुश है वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकती है।
लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः कौंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। भारत पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। अब जो हम अध्याय पढ़ेंगे इसमें, तो विदाई संभाषण, तो इसमें भारतीयों की जो बेबसी है, जो दुख है और जो लाचारी है, उसको व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आततायी रूप से हर किसी को कष्ट होता है। आततायी मतलब जो पीड़ित करने वाला जो रूप है, तो उसे हर कोई कष्ट में होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया था गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रेस पर भी पाबंदी लगा दी थी, और वो जो कौंसिल थी तो उसके अंदर अंग्रेज जो अधिकारी हैं, जो सदस्य, उनको नियुक्त कर दिया था। तो यह जो निबंध है उस समय लिखा गया है, यह गद्य है उस समय लिखा गया है जब प्रेस पर पाबंदी थी। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। यह उस समय लिखा गया है जब प्रेस पर पाबंदी थी, लेकिन ये एक साहसिक गद्य का नमूना भी है, क्योंकि इसमें विनोद प्रियता भी है, चुलबुलापन भी है, संजीदगी भी है, और नवीन भाषा का प्रयोग भी इसमें किया गया है। तो ये है जो हम पढ़ रहे हैं आज, विदाई संभाषण। ये लॉर्ड कर्जन के बारे में लिखा गया है, क्योंकि जब वो यहाँ से जा रहे हैं तो उनके बारे में एक व्यंग्यात्मक लेख लिखा गया, उसका एक अंश है ये। अब देखिए, पढ़ते हैं हम आगे विदाई संभाषण को, कि माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। कि लॉर्ड कर्जन के लिए कह रहे हैं कि माय लॉर्ड, अब ये एक सम्मान सूचक शब्द है, जिसमें अंग्रेजों को माय लॉर्ड कहा जाता था, लेकिन कि आप ही हमारे ईश्वर हैं। कहते हैं कि इसमें अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया, अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है। अब देखिए, जो लेखक है वो कहता है कि संसार में जो भी आया है तो उसका जो अंत निश्चित है, तो इसी कारण से आपके शासनकाल का भी अंत होता है, चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते हैं। अब देखिए, वो कहते हैं कि आप लंबी सोच रखते हैं, तो हो सकता है कि आप जो हैं यहाँ पे चिरस्थायी जो वायसराय हो सकते थे, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था, न इस देश के निवासियों का। क्योंकि काफ़ी अत्यंत प्रताड़ित थे यहाँ के लोग भी, तो उनको भी लग रहा था कि ये तो वायसराय जो हैं, लॉर्ड कर्जन जो है, लंबे समय तक यहीं पे रहेंगे और यहाँ से ये जाने वाले नहीं हैं। लेकिन जब ये वहाँ से विदा हो रहे हैं, तो लेखक कहता है कि ये आपके विचार में नहीं था कि आप यहाँ से जल्दी चले जाएंगे, और ना ही देश के जो निवासी हैं उनका मानना था ये। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। अब देखिए किस प्रकार से व्यंग्यवान जो है छोड़े जा रहे हैं लेखक के द्वारा, कि ऐसा जान पड़ता है कि जैसे यहाँ के निवासियों और आपके बीच में कोई तीसरी शक्ति भी है, जिसके कारण से आपको यहाँ से जाना पड़ रहा है, और जिसके ऊपर आपका भी काबू नहीं है और ना ही यहाँ वालों का। बिछड़न समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है, कि जब बिछड़ते हैं ना किसी से, तो वह जो समय होता है बड़ा ही करुणा जो है वो पैदा कर देता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न नहीं थे। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि आपके बिछड़ने का दुख तो हो रहा है, आप जा रहे हैं तो दुख तो हो रहा है, लेकिन जब आप दूसरी बार यहाँ आए थे ना, तो कोई भी भारतीय प्रसन्न नहीं था कि आप वापस आ गए हैं। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवें, पर आप आए, और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हुए। वे दिन रात ही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। देखिए,
पहले आपके आने पर दुख हो रहा था और अब आपके जाने पर दुख हो रहा है, आनंद नहीं हो रहा। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। और लेखक कहते हैं कि इसी से मैंने जान लिया कि जो बिछड़ने का समय होता है बड़ा ही करुणा के भाव उत्पन्न करता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छुटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है जब कोई हमसे बिछुड़ता है। चाहे कितना ही हमारा विरोधी क्यों नहीं हो, कितना ही हमारा दुश्मन क्यों नहीं हो, लेकिन जब वह हमसे दूर होता है, जब हमसे वह बिछुड़ता है, तो सब जो वैर भाव हैं वो छूट जाते हैं और शांत रस का आविर्भाव यानी कि शांत रस जो है वो प्रवाहित होता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। अब लेखक कहते हैं कि माय लॉर्ड का देश देखने का, यानी कि उन्होंने किस देश की कल्पना की है, तो उसे देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। अब लेखक कहते हैं कि मैंने पूरे देश का भ्रमण नहीं किया, इस कारण से मैं नहीं कह सकता कि आपके बिछड़ने का लोगों पर क्या प्रभाव हुआ है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। अब देखिए वो कहते हैं कि पशु पक्षी भी आपके बिछड़ने से उदास हो रहे हैं। एक बार शिव शंभू के दो गायें थीं, उनमें एक अधिक बलवाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। अब देखिए एक प्रसंग इसमें छेड़ दिया है। शिव शंभू जो चरित्र इसमें पैदा किया है लेखक ने, कहता है कि उसके पास में दो गायें थीं और एक अधिक बल वाली थी यानी कि शक्तिशाली थी, और वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गायें पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गायें उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। अब देखिए कितना अधिक प्रेम भाव उसमें बता रहे हैं कि रोज़ाना वो बलवाली जो गायें थी, जो शक्तिशाली गायें थी, वो टक्कर मारती थी कमज़ोर गाय को और उसको गिरा देती थी, और एक दिन जो टक्कर मारने वाली गायें थी वो पुरोहित को दे दी जाती है। और देखा कि दुर्बल गायें उसके चले जाने पर प्रसन्न नहीं हुई, जबकि उसको प्रसन्न होना चाहिए था कि उसको मार नहीं खाने पड़ेगी, सींग नहीं खाने पड़ेंगे, गिरेगी नहीं वो, लेकिन वह प्रसन्न नहीं हुई और उस वह भूखी खड़ी रही, चारा तक नहीं खाया उसने। माय लॉर्ड जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। अब लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि माय लॉर्ड कि जिस देश के अंदर जो पशु अगर बिछड़ जाता है तो उस समय ऐसी दशा होती है, तो वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जब बिछुड़ता है। अब आपने चाहे कितने भी हमारे ऊपर अत्याचार किए हों, लेकिन जब आप जा रहे हैं तो यहाँ के जो भारत के वासी जो हैं उनकी स्थिति भी वैसी ही हो गई है उस कमज़ोर गाय के समान। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा, इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। अब देखिए लेखक कहते हैं कि यहाँ पे अन्य प्रशासक भी यहाँ पे आए थे, प्रधान शासक आए थे, लेकिन उनको भी जाना पड़ा है, तो इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है, तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। अब लेखक कहते हैं कि आपके जो शासनकाल का जो नाटक था, जो आपने यहाँ पे कार्य किए हैं, वे अत्यंत दुखपूर्ण थे। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या समय सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। अब देखिए जो सूत्रधार थे जो इस नाटक को आपके शासनकाल के नाटक को लिखने वाले थे, तो वे भी नहीं जानते थे कि जिस खेल को वो सुखांत समझकर प्रारंभ कर रहे हैं खेलना वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। अब देखिए आदि में सुख था कि आप चले जाएंगे तो सुख होगा, और बीच में भी आपको यहाँ से भेजने की काफ़ी प्रयास किए गए, और जब आप जा रहे हैं तो ये दुख के साथ कैसे हुआ। आहाँ घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीला में की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। अब देखिए एक उदाहरण दिया है खिलाड़ी का कि घमंडी खिलाड़ी समझता है कि वो दूसरों को अपनी लीला दिखा रहा है, कि अपने जो कर्तव्य है जो खेल है वो दिखा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे एक और लीला में की लीला हो रही है, यानी कि उसके पीछे भी कोई है जो उसको ऐसा करने के लिए कह रहा है, तो उसे इस बात की खबर नहीं है।
इस बार मुंबई में उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे ज़रा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। अब देखिए क्या उन्होंने इरादे किए थे कि किस प्रकार से भारतीय जो लोग हैं उनका शोषण किया जाए, किस प्रकार से भारतीय जनता के अंदर जो अंग्रेजी शासन की जो छाप है वो छोड़ी जाए। तो लेखक जो उसी ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। अब देखिए लॉर्ड कर्जन की एक ऐसी इच्छा थी कि वे जाते समय भारतवर्ष को ऐसा बना जाएंगे कि यहाँ पे कई वर्षों तक जो भी कोई यहाँ पे अगर आएगा, बड़ा कोई अफसर आएगा, तो उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि किसी प्रकार का कोई जो विद्रोह है वह यहाँ पे नहीं होगा और वह जो है वर्षों तक सुख की नींद सोते रहेंगे, अर्थात उनको शासन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। किंतु बात उल्टी हुई, आपको समय इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं उसको मिटाने में आपको पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। अब देखिए लेखक कहते हैं कि आपने तो सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि जिसकी वजह से यहाँ के जो भारतीय वासी जो हैं वे किसी भी अंग्रेज अफसर को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आपने कर उल्टा दिया कि जो भी यहाँ पे आएगा ना तो उसकी आपने नींद और भूख हराम कर दी है, क्योंकि आपने इतनी अशांति इस देश के अंदर फैला दी है, बेचैनी फैला दी है कि जो भी यहाँ आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा जो है कष्ट सहने पड़ेंगे, विरोध सहना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है, यानी कि आपने अत्यंत जो है हर प्रकार से कह सकते हैं यहाँ भारत के वासियों को, भारत के निवासियों को पीड़ित किया है और आपने अपना जो बिस्तर है वो गर्म राख पर रख दिया है कि आप भी आराम से नहीं सो पाएंगे, वहाँ आराम से नहीं रह पाएंगे, और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है कि जिस प्रकार से गर्म तवे के ऊपर पानी की बूंद जब डाली जाती है तो वे एक ही क्षण के अंदर विलुप्त हो जाती है और उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। तो आपने भी भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों के समान नचाया है, आप समय भी खुश ना हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी ना होने दिया, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। अब लेखक कहते हैं कि आप स्वयं भी खुश नहीं रहे, प्रसन्न नहीं रहे और यहाँ की जो जनता है उसको भी सुखी होने नहीं दिया और इस बात का लोगों को बड़ा दुख है कि आप तो चलो सुखी रहते, हमें सुखी नहीं रहने दिया, तो लेकिन आप भी खुद भी खुश नहीं रहे और यहाँ की जो प्रजा है, जो भारत के वासी हैं, उनको भी सुखी नहीं रहने दिया। तो यह जो चिंता है मन के अंदर बनी हुई है और यही इनका सबसे बड़ा दुख है। तो ये जो है भाग्य के अंतर्गत हमने अध्ययन किया है विदाई संभाषण, जो कि लॉर्ड कर्जन की विदाई पर लिखा गया है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा व्यंग्यात्मक शैली में। एक तरफ तो वे उनकी विदाई पर दुख प्रकट कर रहे हैं और साथ ही साथ वे उन पर व्यंग्यवाणों से प्रहार भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने यहाँ के जो वासी हैं उनको हर प्रकार से दुखी किया, परेशान किया। पहले आपके आने से लोग दुखी थे और अब आपके यहाँ से जाने से लोग दुखी हो रहे हैं। तो कहते हैं कि हर प्रकार से जो विदाई है कष्ट में होती है, करुणा उत्पन्न करती है, तो वही भाव जो है इसमें प्रकट हो रहे हैं। यह था हमारा भाग एक जिसका आज हमने अध्ययन किया है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया शिव शंभू के चिट्ठे में से जो एक अंश लिया गया था विदाई संभाषण, तो उसका आज हमने अध्ययन किया है। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, और आगे जो है हम जो इसका भाग दो है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ सके होंगे। धन्यवाद।